ये जो सामने कहाँ गए बच्चे सब भाग गए? जितने बच्चे हैं ना आप लोग गौर से सुनिए, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। किन किन ने धोखा खाया हुआ है? सब हंस रहे बैठे। रस्में उल्फत सिखा गया कोई, रस्में उल्फत सिखा गया कोई, दिल के दुनिया, दिल के दुनिया छा
लोग, मैं क्या करूं? अब फिर इंदु जी कहां चली गई? आई ने कुछ बोलिया फिर मैच नहीं करेगा तो लोग हमको पीटेंगे ना। हाँ जी, वो याद रहता तो थोड़ी ढूंढते आपको, आप बताओ तो।
फासले बिल्कुल सुनाऊंगी। तो मतलब गजल से मोहब्बत होने का पहला रीजन फासले होती है। एक तो यह है जो कंपोजिशन हम लोग सुनते हैं, आप सब जानते हैं कि गज़ल का कंपोजिशन का कोई कॉपीराइट नहीं होता, गज़ल अपने अपने तरीके से सब लोग कंपोज करते हैं। मैं काम करती हूँ जो कंपोजिशन हम सबसे ज़्यादा जिसको सुन के हम लोग फासले से मोहब्बत किए हैं, वो मेरे से होता नहीं है भाई साहब, माफ़ी मांगती हूँ। दो लाइन गाती हूँ उसका, बाकी मेरे मगाल में कलकत्ते में हमारे बहुत गुणी कलाकार हैं, एक बहुत नामी सरोद प्लेयर हैं, पंडित रौनोजीत सेन गुप्ता नाम है उनका। उन्होंने इस गज़ल को मेरे गाने लायक करके थोड़ा सा इजी करके कुछ एक नया कंपोजिशन बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी गाने हैं, एक बार जहन में उतर जाने के बाद कुछ कार्ड भी दो तो निकलता नहीं है, फिर भी कोशिश है उनकी, मेरे ज़रिए उन्होंने कोशिश किया। मैं दोनों को अगल बगल मिला के गाने की कोशिश करती हूँ। पहले ही बोल देती हूँ जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी आप लोग रखें, मैं बहुत बेहतरीन ख़राब गाऊँगी, तो इसको रहने दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। होगा नहीं भाई साहब, मैं शुरू ही बोल देती हूँ। पुराना फासले Thank you.
शेर गाती हूँ। एक दादरा और सुनाने की इजाज़त चाहूँगी, उसके बाद आप लोगों में धैर्य रहेंगी तो मैं बैठी रहूँगी, नहीं रहेंगी तो मैं भी भाग जाऊँगी, आप लोग भी चले जाइएगा। एक पूरब की दादरा कोशिश करती हूँ, इसमें भी क्लासिफिकेशंस है, जो लोग मालूम नहीं कौन आप लोग करते हैं, ज़रूर आप में से कोई सीखते होंगे। तो पूरब अंग की गायकी में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे हमारी पटियाले की गायकी हैं, वैसे पूरब का भी गायकी हैं, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद जिसमें आती है, पटना, ये सारी जगह जहाँ आती है। तो हम लोगों में ठुमरी दादरा के अंदर बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें मिला करके उसकी क्लासिफिकेशन किया जाता है, और वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है। मैं एक बंदिश मेरी बहुत पसंदीदा है, पसंदीदा होने के पीछे उसके रीज़न है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जितनी कविताएं, जितनी पद, जितने बंदिशें होती हैं, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो नायक है, जो नर है, वो नारी को छेड़ रहे हैं। नॉर्मली हमेशा यही होता है, या फिर कोई गज़ल भी होती है तो उसकी ज़ुबानी जो होता है वो मर्द की ज़ुबानी होती है। ऐसे बहुत कम होती हैं जिसमें औरत औरत को छेड़ रही हैं, या फिर कोई मर्द या फिर कोई औरत मर्द को छेड़ रही है, ये कॉम्बिनेशन रेयर होती है। तो ये सारी चीज़ें पूरब में कुछ कुछ अलग 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 तरीके से बंदिशें हैं, जिसमें चैती आती है, चैती का एक फॉर्म आता है, चैता बोला जाता है जिसको। मैं एक दादरा पेश करने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक स्पेशल पैटर्न है, इसको घनाक्षरी बोला जाता है।
घनाक्षरी मतलब घन अक्षर, जिसका मतलब हर एक अक्षर में, हर एक वर्ड में एक गाढ़ा वर्ड होती है, मतलब हर अक्षर में वजन बराबर होती है। तो वो गाना मुश्किल तो नहीं होता, पर उसको समझ के निभाना थोड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि गायकी में घुस जाता है आदमी, शब्द खाई जाता है। मैं तो खा जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ एक ऐसा पद आप सबके सामने रखने की। इसमें ऐसा है, जो नायिका है, नायिका के जो दोस्त हैं, सखियां हैं, वो उल्टा राधा को छेड़ रही है, नायिका को छेड़ रही है कि इतनी गंदी आंखें हैं तुम्हारी, ये किसी को क्या भाएगा, छह बहुत बुरी है, टीज कर रही है उनको। उसी तरीके से पूरी पद में वही है, और आखिरी में जाके दो अर्थ वाले बात करते हैं, जो हमारी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़ी मोटो हैं, कि आखिरी में आके उसका भूमिका ख़त्म होती है, जिसमें डिसॉल्व होता है सारी कविताओं का भी और गज़ल का भी, लास्ट शेर में आकर के सारी इंट्रोडक्शन, सारी क्वेश्चंस एंड होती है। उसी तरीके का एक बंदिश है, कोशिश करती हूँ। Thank you.
जैसे गंदा ऐसे ही गोल गोल। एक तो नयन तोरी खत्म। अब शब्द ख्याल करें, आंख गुलाबी तोरी मत छलकावे, टीज तो कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है। आंख गुलाबी तोरी मत छलकावे, मत छलकावे छलकावे गोरी, मद छलकावे आंख गुलाबी तोरी, मद छलकावे। मद छलकावे, मद छलकावे, मद छलका।
थैंक यू थैंक यू। सच कहें तो पंजाब में आके भैरवी गाने में डर लगती है। ऐसे इतिहास है यहाँ पे भैरवी का, ऐसे ऐसे हीर रचे हैं सिर्फ भैरवी में, दो तीन शब्द निकलते ही अंदर पिघल जाती है। तो यहाँ के भैरवी गाना, भैरवी का दूसरा रूप ले आना बहुत मुश्किल पड़ती है, कोशिश करती हूँ। Oh,
Thank you.
छोड़ गया।
बहुत ही खूबसूरत ये शाम, और ऐसा है कि ये इससे खूबसूरत शाम कलाकार की अगर पुण्यतिथि की अगर हम आज बात करें अब तो उसको सेलिब्रेशन, क्योंकि कलाकार तो कभी नेवर गोज और वो हमेशा सबके दिलों में रहते हैं, तो इसलिए जब उनकी या जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि, तो मेरे ख्याल उसकी सेलिब्रेशंस एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुरीली और संगीतमय प्रस्तुति के साथ ही होनी चाहिए। और बिकॉज जैसे शेक्सपियर ने कहा कि शो मस्ट गो ऑन, तो इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती एक कलाकार के लिए, कला के परिवार के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा हम हर साल फंक्शन करते हैं अरे पूज्य पिताजी जो फाउंडर प्राचीन लकोसर साहब के लिए, तो वो भी जब पहले हमने किया तो मुझे याद आया कि उनको सब खूबसूरत सबसे चीज़ें क्या अच्छी लगती थी जब, और तो गज़ल्स वगैरह, तो हमने पहले जो एक किया भजनों से ज़रूर एक स्टार्ट, लेकिन देन भी तो मैंने कहा कि वो तो वो भी आज जहाँ भी हों देख रही हैं आशीर्वाद रूपी अपने सुपुत्र को, अबीर भाव को, और ज़रूरी आशीर्वाद और खुशी सी ज़रूर होगी ब्रह्मांड में कि एक अच्छी इतनी खूबसूरत, और रागेश्री जी क्या बात, बहुत बहुत आपका धन, कितनी खूबसूरत आपने प्रस्तुतियाँ गज़ल दादरा के साथ हम सबको विभोर किया। और प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी बैठे हैं, आपका भी बहुत नमस्कार आपको, आज अभी निधि नारंग जी चली गई, फैकल्टी मेंबर्स हमारे आए थे, मलकीत सिंह जी भी बैठे हैं हमारे फैकल्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट गुरमत संगीत। तो अब मैं और अलखा जी क्या बात साहब, बहुत खूबसूरत, एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छी बहुत ही एक चार, जिसे कहते हैं ओवरऑल एक जो है चार चांद लगे हैं इस कार्यक्रम में, अबीर भाव और तरुण जी जी में बहुत अच्छा क्या लगी, और एक बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन जो आया है टोटल आया है, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर रिपीट होना चाहिए। इट्स ए ब्यूटीफुल काइंड ऑफ ए प्रेजेंटेशन जो हमने बहुत, हमें तो बहुत मज़ा आया भाई। मेरे ख्याल से तालियां जो हैं और जो कला प्रेमी कला है उससे पता लगता है कि हमने कितना इन्जॉय किया इसको। थैंक यू। तो मैं अब गुरु माँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और आशीर्वाद रूपी जो फ्लावर्स हैं जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स दें, इनको फेलिसिटेट करें, डॉक्टर रागेश्वरी जी को, मदरखा मान साहब को, वीर भाव को, तरुण जी को और रवि जी को, आइए। हाँ बिल्कुल, मज़ा मज़ा है भाई, हमें आनंद सबको मिला है, आइए आगे आइए। क्योंकि कितनी देखिए खूबसूरत बात है कि एक लेजेंडरी गज़ल जो है, एक इतनी मशहूर गज़ल को कितने खूबसूरत ढंग से एक अपना रूप दिया गया, दैट इज़ ऑल ब्यूटी। अब मैं अलग रखा खान जी से, आइए प्लीज़, बड़ा मज़ा आया हमें, बड़ा अच्छा लगा खान साहब, ज़रूर आपसे दोबारा और सुनेंगे भी थोड़ा, हाँ ये एक और वो कहते ना जग जाती है तमन्ना कि भी दोबारा सुना जाए। हाँ हाँ नहीं 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 बड़ा, मैं भी गुरुमा से बात कर रहा था, मैं कल खान साहब को थोड़ा और सुनेंगे कहीं और किसी कार्यक्रम प्रोग्राम में, क्योंकि ये अरे नहीं नहीं अबीर भाव, अच्छा पहले तरुण जी आइए, तरुण जी आप आइए, हाँ क्योंकि भाव भी तो आज ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे साथ, और मैं इनका भी धन्यवाद ज़रूर दूंगा इतनी खूबसूरत शाम के लिए, डेडिकेटेड टू अवर डियर पीके के फैमिली के मेंबर हैं गंधर्वा जी, उनकी याद में इतनी खूबसूरत एक शाम।